कोरोना के कारण ने सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर दिया है। इस महामारी ने हमारे त्योहारों तथा पौराणिक परंपराओं पर भी असर डाला है। एक तरफ से भाई बहनों के अटूट प्यार की निशानी रक्षाबंधन जैसे त्यौहार की रौनक पर ग्रहण लगा दिया है। पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन को अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। कोरोना काल के पूर्व से 20 दिन पहले से ही बाजारों में राखी की दुकानें सज जाती थीं, मगर इस समय संक्रमण के कारण एक दिन पहले दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। इस बार रक्षाबंधन के समय रोजगार और खरीदारों में कमी तो आई है, इस साल राखी में भाई बहन का रिश्ता भी अहम रखता है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा होता है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसकी सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त 2020 यानी सोमवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार भाई बहन की कलाई में राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ये रक्षाबंधन बहुत खास होता है क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहरहाल भाई बहनों का अटूट प्यार की प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन पर कोरोना का पहरा है और बहन चाहकर भी अपने भाइयों को ना ही मनपसंद राखी बांध सकती है और ना ही मिठाइयाँ खिला सकती है। संजय उपाध्याय के साथ राज रंजन, एंकर गुड्डू आज़ाद की रिपोर्ट, CNB न्यूज बक्सर। महामारी चल रहा है, महामारी में क्या राखी प्रभावित हुआ है? नहीं मानते तो इस तो जरूरी है ना कल का, इसी वजह से हम लोग आए हैं। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन में आप लोग भाइयों को राखी बांध सकती हैं? हाँ। अभी आप लोग कहाँ से हैं? मठिया मोहल्ला। अच्छा, तो राखी खरीदने आई हैं। हाँ। तो क्या इस साल महामारी के चलते कुछ प्रभावित नहीं है? ऐसी थोड़ी बात नहीं है, बाकी मतलब भाई के है तो राखी बांधना जरूरी है ना, भाई की परंपरा को निभाना है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है मनीषा कुमारी। करने वाला है इस साल इस भयंकर महामारी के चलते राखी के त्यौहार पूरा ही नहीं, आशा सभी फीका पड़ा हुआ है, लोग डर डर कर घर से निकल रहे हैं, लेकिन त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, लोग मजबूरी है त्यौहार मनाना, लेकिन लोग डर भी रहे हैं। पूरा शहर इस भयंकर महामारी के चपेट में आ चुका है, लेकिन एक दिन के लिए लोग निकल रहे हैं घर से और हम आशा करते हैं कि महामारी जल्द मिटा रहा हो और शहर बिल्कुल स्वस्थ हो, आने वाले समय में और त्यौहार बढ़िया से बीत। आप लोग हर साल पैसा फंसाते हैं, इस साल कितना पैसा फंसाया है? इस साल लागत से हम लोग आधे पैसा लगाकर माल मंगाए हैं, लेकिन वो भी बहुत कम बिक्री हो रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, गाँव से भी ना कोई मोहल्ले से वो लोग निकल रहा है, लोग डर रहे हैं, देखिए अभी कितना होता है। तो क्या लग रहा है कि प्रभावित है ये? जी बिल्कुल प्रभावित है, कहाँ आएगी नहीं तो माल कहाँ से बिकेगा, नहीं बिकेगा तो व्यापारी पैसे के लिए तगादा करेंगे, उन्हें देने के मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है इस लॉकडाउन में। इस साल कितने से कितने तक राखी रखे हैं आप लोग? इस साल हम लोग बहुत हैवी नहीं, सस्ता हो बढ़िया हो लोगों को मिल जाए, लेकिन 5 रुपये से लेकर 10-20 मैक्सिमम 50 रुपये तक। हाँ सब प्रभावित हुआ है, कम अगले साल से बिक्री है। आप लोग पैसा फंसाते हैं हर साल, इस साल कितना पैसा फंसा है और कितना बिक्री हो चुकी है? इस साल उस जितना हर एक साल लगाते तो उसका आधा लगा है, उतना अब आ रहा है, अब पूंजी निकालना है। पूंजी निकालना है आप लोगों को? इस साल थोड़ा कम हुआ है। क्या नाम है आपका? साहिल।